हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौर्या गुरु एकेडमी पर। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार बोर्ड, जी हां दोस्तों, जो मैट्रिक का परीक्षा आज से आप लोगों का शुरू होने वाला है, तो दोस्तों उससे पहले जान लीजिए कि क्या आप लोगों के लिए मैट्रिक का परीक्षा कैसा रहेगा। और आप लोगों के लिए एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैट्रिक का परीक्षा के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जाने के लिए वहाँ पर लेके जाना है आपको क्या क्या चीज़ें, ठीक है, और आपको कैसे वहाँ पर पहुँचना, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी जानकारी आपको दी जाएगी, ये पूरा ऑफिशियल जानकारी है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, यदि अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ऑलरेडी बहुत सारे छात्र जुड़ रहे हैं, फटाफट जुड़ जाइए क्लिक करके कि आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन ग्रुप में मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू। दोस्तों यहां पर आप लोगों को बता दिया जाए कि मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी भी है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन भी है तरफ से। चलिए जानते हैं सबसे पहले मैट्रिक का परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं, ठीक है, मेरी तरफ से। चलिए अब अपना एडमिट कार्ड और कलम और मास्क के साथ में लेकर जाए, ठीक है, अपना एडमिट कार्ड ध्यान रखें, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, साथ ही अपना कलम एक पेन ले लीजिएगा जिसके आप अपना परीक्षा फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, ठीक है, और मास्क अपना साथ लेकर जाइएगा कि मास्क जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में मास्क अगर नहीं लेके जाएंगे तो आपको हो सकता है परीक्षा देने से थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकता है, ठीक है। परीक्षा में ये नहीं है कि परीक्षा में नहीं जाने देंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों झेलना, आप अपनी तरफ से मास्क लेकर जाए, ठीक है। मास्क नहीं तो एक गमछा ले लीजिएगा, तौलिया, जैसे गमछा होता है ना तौलिया, वो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की जानकारी जान लेते हैं। जिनका एडमिट कार्ड में कुछ गलती है वह अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड भी, वोटर आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो भी आपको प्रवेश जाने दिया जाएगा लेके। यदि अगर आपका किसी भी एडमिट कार्ड में गलती है किसी भी तारा का, तो आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इसकी जगह पे लेके जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यहां पर आप जान लेते हैं, रोड जाम होने की संभावना रहता है इसलिए घर से पहले ही निकले ताकि परीक्षा केंद्र पर एक घंटा पहले पहुंच सके, ठीक है। रोड आपका जाम रहता है, मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ी खबर, आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूं। ट्वेल्थ का जब परीक्षा चल रहा था 1 फरवरी से, आप लोगों को मालूम ही होगा 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आप लोगों का जितने भी ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं उनका परीक्षा चल रहा था, उसमें कुछ छात्रों का जल्दबाजी के कारण, बहुत सारे छात्रों का रोड जाम होने के कारण, बहुत सारे छात्रों को मैं बता देता हूँ कि हत्या कर दिया गया, हत्या हो गया है, ठीक है, मतलब एक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, मतलब रोड जाम होने के कारण, रोड पार करने के कारण बहुत सारे छात्रों ने गाड़ी से टकरा गए, बहुत सारे छात्र मतलब ऐसे हैं जिनका मतलब एग्जाम छूट गया, बहुत दिक्कत हुआ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग आराम से निकले एक घंटा पहले कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे की खबर जान लेते हैं। दोस्तों आप जूता यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप जूता मोजा भी पहनकर परीक्षा देने जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बिहार बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल न्यूज आपको दिया जा रहा है, ठीक। परीक्षा के लिए 10 मिनट पहले तक ही परीक्षा हॉल में जाने दिया जाएगा, ठीक है। सब चीज़ घर पर छूट जाए, लेकिन एडमिट कार्ड और कलम मास्क तीन चीज़ नहीं छूटना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सब चीज़ें घर में छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होता यार, एडमिट कार्ड, अपना कलम और मास्क जरूर लेके जाइएगा, ठीक है, इसी से आप लोगों का काम होने वाला है आगे की जगह, इसी को आप लोगों को यूज करना है। वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा सभी छात्रों के साथ, क्योंकि ये जानकारी सभी छात्रों को मालूम चलना चाहिए यार, फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए हेल्प के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वीडियो को शेयर करिए। और जो इसका एग्जाम का जो पेपर है मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ, ठीक है, आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, ग्रुप में आपको मिल जाएगा इसका पेपर। धन्यवाद, वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।